तो दोस्तों यदि आप नवरात्र रहकर या बिना नवरात्र के व्रत के यदि कुछ चटपटा खाना पसंद करते हो तो आपके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे, नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए देखिए खट्टी पालक ली है, इसे खट्टी पालक बोलते हैं। इसके पत्ते कुछ इस तरीके से बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से बंचे मिलता है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। और अलग करने के बाद इसको हम कट करेंगे, तो ये जो डंठल है उसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, और यदि थोड़े से भी ख़राब पत्ते हों तो उनको भी हटा दें। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है, पत्ते आप देख करके समझ जाएंगे कि ये बाज़ार में आपको आसानी से कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। आप देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसके डंठल हटा दिए हैं, इनको अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी है। और सब इसी तरीके से जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम कट कर लेते हैं। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है और अब हम इसको वॉश करेंगे बहुत अच्छे से, चार पांच पानी से और बहते हुए पानी से, जिससे कि इसमें जो मिट्टी हो वो निकल जाए। क्योंकि मिट्टी यदि रहेगी तो इसमें दिक्कत आएगी, खाने में स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया चार पांच पानी से, बहते हुए पानी से, और देख लिया कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रफली चॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, बड़ी आसानी से चॉप हो जाएगी। इसको चॉप करने में, काटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो देखिए मैंने इसको बातों ही बातों में कट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं। तो मैंने चटनी जार लिया है और इसी में इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, चौथाई कप जितना, जिससे कि आराम से अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बराबर चलाते हुए इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका बढ़िया सा एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो दोस्तों ये सब्जी कहें या चाट कहें बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और हमें पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब क्या करते हैं कि जो बची हुई पालक है उसको भी इसमें डाल देते हैं, और एक बार हम इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और साथ में हरा मिर्च डाल देते हैं। आप कितना चटपटा पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें अदरक बिल्कुल नहीं पड़ती क्योंकि अदरक डालने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है, आप अदरक बिल्कुल ना डालें। अच्छे से इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसका देखिए बढ़िया सा स्मूथ, कितना बढ़िया कलर आया है बनकर की, इसी चटनी बनकर के तैयार हो गई। इस चटनी को आप यदि अलग से साइड डिश के रूप में खाना चाहें या किसी स्टार्टर के साथ खाना चाहें तो खा सकते हो। अब इसके लिए मैंने देखिए 6 आलू ली हुई है, मीडियम आकार की आलू है। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 2 या 3 विजल लगाने तक ही इसको बॉयल करें। इसको हम आराम से छील लेते हैं, बड़ी आसानी से छिल जाएंगे क्योंकि हल्की सी ये गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म हो तब भी इनको कटना करना, क्योंकि फिर ये बिल्कुल मसल जाएगी और जो सब्जी बनेगी उसका टेस्ट ख़राब बनेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको छील लिया। और झटपट यदि आप बनाना चाहते हो तो इसको उबालने के बाद पानी में डाल दें तो जल्दी से ये ठंडी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इसको हम कट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं, कुछ इस तरीके से पीसेस करने हैं। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर, क्योंकि हमें इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना है जिससे आपको ये बहुत पसंद आए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देसी घी डाल देते हैं। आप यदि व्रत में बनाना चाहते हो तो इसको व्रत में बना सकते हो, इसलिए मैंने इसमें देसी घी डाला हुआ है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी इसको बना सकते हो। देसी घी गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कानपुर में तो ये बेहद पसंद है और हर किसी को इसका स्वाद अच्छा लगता है। छोटी मोटी पार्टी होती है या बड़ी पार्टी होती है उसमें ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने
इसको इसमें डाल दिया, इसको फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं और अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसको पका लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने इसमें सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक डाला हुआ है, साथ में थोड़ी सा धनिया पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। आप यदि ना डालना चाहें, व्रत के लिए बना रहे हों ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छे से इसको जिस तरीके से सब्जी बनती है उस तरीके से इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और खाने में ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। वैसे उबाल कर भी आलू इसमें डाली जा सकती है, लेकिन इससे उसका स्वाद इतना बढ़िया नहीं आता है जितना इसका स्वाद आता है। अब हम क्या करते हैं, बढ़िया से ये फ्राई हो गई है तो अब हम एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। गर्म में ना डालें, ठंडा करके ही डालें। तो ये देखिए अच्छे से ठंडी हो गई। अब इसमें हम ये चटनी डाल देते हैं। अब इसमें हम जार में थोड़ा पानी डालेंगे और उस पानी को इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ी बनेगी, थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। अच्छे से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं जिससे कि आलू टूटे ना। अब इसमें हम डाल देते हैं चौथाई चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच जितना ही हम इसमें भुना जीरा पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया आए। और अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। पर अभी ये पूरी तरीके से नहीं बनी है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। इसमें हम डालेंगे नींबू खट्टापन के लिए। तो आप कितना खट्टा पसंद करते हो उस हिसाब से नींबू डाल सकते हो। यदि आपके पास नींबू ना हो तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई खटाई यानी मैंगो ड्राई पाउडर डाल सकते हो, जिससे कि इसमें खट्टापन थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा कम खट्टा लग रहा है, तो इसमें हम आधा नींबू जो और रखा था उसको भी इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से नींबू निचोड़ने में यदि इसके एक आध बीज इसमें गिर जाए तो उनको हटा दें, क्योंकि बीज कड़वे होते हैं, इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सी हमारी ये चाट बोलें या चटनी बोलें या फिर इसको सब्जी बोलें बन करके तैयार हो गई है। आप इसको चटपटा खाने का मन हो तब बना सकते हैं, या थोड़े मेहमान आए हों घर में उनको भी आप ये बना करके दे सकते हैं, बहुत ही उनको पसंद आएगी। तो इसको अब हम क्या करते हैं, सर्विंग के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और ये जितनी देखने में बढ़िया बनी है उतनी ही ये खाने में स्वादिष्ट बनी है। तो आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ खा सकते हो, या चाट की तरह भी इसको खा सकते हो। तो दोस्तों यदि ये हमारी आलू की चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।